जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज है 20 अगस्त 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप यूपी से हैं और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर वाले, जिसका एग्जाम हो चुका उसकी बात नहीं कर रहे, फाइनल ईयर में जिसका नहीं हुआ उसके लिए मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देना है या फिर मॉक टेस्ट जिसका होना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यह सब कैसे करना है आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था लैपटॉप की मदद से कैसे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर मेजॉरिटी में देखा जाए स्टूडेंट के पास लैपटॉप तो नहीं है, मोबाइल ही है। तो मोबाइल से कैसे देना है और यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और बताना चाहता हूँ, चीटिंग वाली कुछ लोग पूछ रहे थे, क्योंकि काफ़ी बच्चे पढ़े नहीं तो पूछते हैं भाई बता दो कुछ, हमें मिल जाए, पास हो जाए भाई, फेल ना हो। तो उनके लिए मैं बताया था इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो और वहाँ पे स्टोरी लगी है, वहाँ से जाके देख लो किस तरीके से करना। और जो ट्रिक वहाँ पे बताएगी ना सबसे यूनिक ट्रिक है, उससे अच्छी ट्रिक कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीधा बीटीयूपी की तरफ से यह अपडेट किए गए, इस चीज़ को जारी किए गए थे। तो यहाँ पे मतलब बताया गया स्टेप बाय स्टेप कैसे इस चीज़ को करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आप सीधा सीधा यहाँ बीटीयूपी लिख दिया गया है ऑनलाइन परीक्षा जो कि 2021 के लिए। देखिए एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले यह समझ लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे यह देख लीजिए आपके पास क्या होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल, यूज़र आईडी, पासवर्ड नोट करके अपने पास रखेंगे। यह तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या दूसरा, यूज़र आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ साथ यूराइज पोर्टल पर भी स्टूडेंट लॉगिन में एग्जाम टाइम टेबल पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट हम आपको बात बताते हैं, यहाँ पे आप दो पासवर्ड याद रखेंगे और दो यूजर आईडी। सबसे पहला तो आपका जो यूराइज है उसका आईडी पासवर्ड याद रखिए, और दूसरा कि जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो मॉक टेस्ट वगैरह का मिला होगा वही वाला यूजर आईडी पासवर्ड रखें, फिर वीवॉक्स पे जाके लॉगिन करना है। देखिए वीवॉक्स के लॉगिन को अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा लिंक वगैरह, वहां से भी जाके देख सकते हैं। उस लिंक को कॉपी करके कहीं रख लीजिएगा, हम अभी आज ही भेज देंगे उसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी पॉइंट बताया गया है, साथ ही अपना टाइम टेबल किसी विषय की परीक्षा कितने बजे से है क्या है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या एग्जाम टाइम टेबल जिसको नहीं पता वो यूराइज पोर्टल के माध्यम से पता कर सकता है, ठीक है। और बेहतर होगा कि आप नोट करके अपने पास सुरक्षित कर ले, जिससे कि परीक्षा के समय यूराइज लॉगिन करने की आवश्यकता ना पड़े। यानी जब यह वीडियो देख रहे हैं तभी जाइए आप अपने मतलब यूराइज पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और वहाँ पे टाइम टेबल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा भाई कब कब आपकी एग्जाम है। अगला देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, आपको कैसे करना है सब कुछ ये समझिए। देखिए एक साइट का नाम क्या है, upbtexam.in, इसी साइट पे आपको जाने हैं, ठीक है। या फिर इसी साइट का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे रहे हैं, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए हाँ, ऑनलाइन मोबाइल में एग्जाम देते समय इसमें नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, वर्क मोड, डीएनडी मोड जो भी होंगे उस सबको ऑन कर दीजिए। और साथ में वर्क मान लो डीएनडी मोड डू नॉट डिस्टर्ब सेवा ऑन कर दिए तो नोटिफिकेशन तो नहीं आता, लेकिन किसी का कॉल आ जाता तो स्क्रीन पे सामने दिखाता है, उससे आपको वार्निंग मिलेगी। इससे बचने के लिए आप अपने कॉल को फॉरवर्ड कर दीजिए, जब आपका एग्जाम हो रहा तब के लिए बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने बताया, जो बताया उसको थैंक यू, यह ट्रिक काम कर रही है। तो यह चीज कर देना, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वार्निंग कम मिलेगी, नहीं मिलेगी एक प्रकार से समझो। उसके बाद गूगल क्रोम को क्या करना, ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है upbtexam.in, ठीक है। या फिर जो लिंक हम दिए रहेंगे आपको टेलीग्राम में उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ओपन करना, ठीक। और देखो कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है, जैसे कि इसमें क्या हो ना, क्रोम वगैरह ब्राउजर में कैमरा नहीं सपोर्ट कर रहा, माइक नहीं दे रहा, तो अंदर से परमिशन नहीं दियो, उसको परमिशन वगैरह दे देना, सही हो जाएगा। उसके बाद देखो अगले स्टेप में क्या करना है, जैसे ही यह सर्च कर लोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ देखो एक कैप्चा भरने का ऑप्शन आएगा, कैप्चा भर देना और सबमिट कर देना, आगे बढ़ना। उसके बाद जस्ट देखो कैप्चा भर जाएगा तो इस तरीके का ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वो बेनिफिट करेगा। देखो लॉगिन आईडी आपकी क्या है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसका इनरोलमेंट नंबर, वो उसकी लॉगिन आईडी है। और पासवर्ड कहाँ मिलेगा, यूराइज पोर्टल पे मिल सकता है, मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस आया वहां से मिल सकता है, और ईमेल आईडी पे भी मिल सकता है। इन तीन जगह से आप यहां से ले सकते हैं। अब देखिए यह चीज डालने के बाद ना यहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि भाई इस पासवर्ड को सेव कर लो इंटरनल, ताकि अगर सेव कर लोगे अगली बार नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट मान लो दे दिए हो एग्जाम होगा ना तो यह चीज भरनी नहीं होगी, ठीक है। मैंने अपने में किया, फिल वगैरह नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे देखिए सब कुछ आ जाएगा।
जस्ट उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद एक डेमो होगा। इस डेमो में आपका क्या होंगे, देखिए आपकी लॉगिन आईडी, यहाँ पे आपका नेम, कॉन्टैक्ट नेम खाली रहेगा, ईमेल आईडी लिखी रहेगी, और यहाँ पे सेमेस्टर वगैरह सब कुछ, पेपर कोड वगैरह सब कुछ यहाँ लिखा रहेगा। और यहीं पे करना क्या, पहले ये समझ लो, जब जैसे ही यह प्रोसेस आएगा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना और यहाँ पे मतलब प्रोसेस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। अब देखो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा देखिए क्लिक टू लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है, थैंक यू एप्लीकेशन, इसके बाद देखो इतना कर लेना है। जस्ट इसके बाद क्या करना है, आपको पुनः वही साइट upbtexam.in को आपको सर्च करना, या फिर उसी लिंक पे वो पूरा पेज कट कर देना है। और ध्यान रहे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, यहीं पे जब ये चीज़ आएगी ना, मतलब यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आगे क्या है प्रोसेस। हाँ चलिए सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे पासवर्ड वगैरह फिर से लॉगिन वगैरह करके फिर से अंदर आइए, उस पेज को हमने कट कर दिया समझिए। और उसके बाद जैसे ही यह चीज़ करेंगे, यहाँ पे परमिशन मांगेगा कि कैमरा और माइक्रोफोन अलाउ कीजिए, हो सकता है या दो बार मांगे, कैमरा का अलग और माइक्रोफोन का अलग। तो यह अगर परमिशन यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो इसलिए परमिशन देना बहुत जरूरी, इसलिए परमिशन दे देना। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद यहाँ अगर परमिशन जो स्टूडेंट दिया रहेगा, यहाँ पे फोटो आएगी, दो फोटो क्लिक करनी है, टेक फोटो पर क्लिक करके, ठीक है, इसमें दिखाएगा जब आपका फेस वगैरह अच्छा दिख रहा है एकदम अच्छे से क्लियर, तो क्लिक कर लेना। अब देखिए बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम काफी लोग को रही है, काफी लोग को जब यह चीज मतलब अलाउ वगैरह नहीं बोला और यहाँ पे मांग रहा था, फोटो आई नहीं रही है, तो ब्राउजर चेंज कर दें, या फिर इस क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, या फिर उसको परमिशन दें, या फिर फायरफॉक्स को एक दूसरा ब्राउजर रहता है उससे भी दे सकते हैं, लेकिन क्रोम से दोगे तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद टेक फोटो लेने के बाद देखिए एक चीज आएगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे देखिए फेस वगैरह, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म को आगे प्रोसीड कर, मतलब नेक्स्ट करने को, प्रीव्यू वगैरह देखने को। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब फोटो क्लिक कर लोगे आगे बढ़ोगे तो इस तरीके का फॉर्म आएगा, ठीक है, और यहाँ लिखा रहेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस वाले जो फॉर्म को ना प्रिंट करके रख लेना है, वहां पे प्रिंट पे क्लिक करोगे जा करके उसे गैलरी में सेव कर लेना, और जिसका नहीं सेव हो रहा है सेव करना सीख लो, और जिसका सेव नहीं हो रहा है वो क्या करेगा, वो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर के दो तीन स्क्रीनशॉट रख लेगा, क्योंकि यह कॉलेज वाले मांग रहे हैं, मेरे कॉलेज वाले मांग रहे हैं और कई कॉलेज वाले इस चीज़ को मांग रहे हैं, और इसलिए इसको प्रिंट करके रख लो, इसका काम लग सकता है, ठीक है, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। चलिए अगला देखते हैं अगला क्या होगा, फिर जैसे ही इतना काम कर लिया फिर से आपको कट कर देने हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया हमें यहाँ फिर कट कर देने हैं, और कट करने के बाद क्या करने है उसको ध्यान दो, फिर से उसी साइट पे btupexam.in पे जाना है, फिर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यह काम जो करना है मॉक टेस्ट के दिन करना है, तीन बार लॉगिन वाला चक्कर, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ और एक बार लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो तीसरी बार में आप देखो क्या होगा, जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड भरोगे यहाँ पे देखिए सब कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स वगैरह सब कुछ शो करेगा, डेमो कराया जा रहा है ये बताएगा, और यहाँ पे देखिए रैन करके आएगा, मतलब कंटिन्यू वगैरह करके, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ क्लिक कर लेना। और बता दूँ मॉक टेस्ट सिर्फ दो बार दे सकते हो, 30 मिनट का टाइम रहेगा, इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपके सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, रैंडमली सा कुछ क्वेश्चन आएगा, उसमें गलत सही जैसे भी करना है बस दे देना, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसमें, हाँ जब मॉक टेस्ट देना यह गलती मत करना 5 मिनट में दे देना, नहीं, जितनी भी उसमें स्टेप आएंगे उन सभी चीज़ों को, जितने भी बटन वगैरह वहाँ दिखेंगे सबको बारी बारी से क्लिक वगैरह करके चेक वगैरह करके देखना है कि आखिर इसके अंदर है क्या। मॉक टेस्ट इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो सभी उसमें जितने भी फंक्शन दिखाएंगे सबको अच्छे से देख लेना। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जैसे यह चीज़ आ जाएगी यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो देखो क्या होगा, प्रोसीड नाउ, आप यहाँ पे क्लिक करना, ये देखो ग्रीन, पहले ग्रीन नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे जब कैमरा, माइक्रोफोन और ब्राउजर और इंटरनेट स्पीड, यह सभी चीजें बिल्कुल अनुकूल रहेंगी एग्जाम के, तो यह क्या कर सकता है, यह आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, यहां से आगे बढ़ सकते हो। हाँ चलो अगला यहाँ पे देखो इसके बाद क्या होगा, जब सब चीज हो जाएगी देखो कंटिन्यू बटन ग्रीन हो जाएगी, इसके बाद आगे बढ़ोगे, और देखो उसके बाद जो भी स्टूडेंट मोबाइल से एग्जाम दे रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मोबाइल को इस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है, इस तरीके से नहीं रखना है आपको, इसको क्या करना है, लैंडस्केप मोड में रख लेना है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से मोबाइल रख लेना है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मॉक टेस्ट या कह लो एग्जाम नहीं दे पाओगे, इसलिए इस वाले मोड को नहीं यूज करना है, आपको इस वाले मोड को यूज करना है, ठीक है। यहाँ देखिए बोला है प्लीज यूज लैंडस्केप मोड ओनली, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्या होगा, जैसे यह चीज कर दोगे, अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो आपके ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड होंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, नहीं अभी आगे नहीं बढ़ना है, इसमें जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है उन सभी को पहले पढ़ लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहले सभी जितने भी चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, देखो यहाँ कहा भी जा रहा है कि आई हैव रिव्यू, यानी सब चीज हमने रिव्यू वगैरह कर लिया, उसके बाद यह देखो ग्रीन होगा, इस पे क्लिक करना तब आगे बढ़ पाओगे, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद देखो क्या होगा,
अब देखो यहाँ पे ना, जब मोबाइल जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे या मॉक टेस्ट, यहाँ पे टाइमिंग दिखाने लगेगा कि भाई इतना टाइमिंग चल रही है, और यहाँ पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे बारी बारी से अपना एग्जाम दे देना। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद जब आपका पूरा एग्जाम हो जाए, देखो नेक्स्ट और प्रीव्यू का भी यहाँ पे ऑप्शन आते रहेंगे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट या प्रीव्यू, आगे पीछे करके सभी आंसर दे लेना। यहाँ जो स्टूडेंट एग्जाम देगा उसका फोटो दिखाएगा, ठीक है। और जब चीज़ें हो जाएं तो नीचे लिखा रहेगा एक आपका, मतलब जो टेस्ट दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं उसको एंड करने का, वहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का देखो पेज आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। और यहाँ पे कैंसिल पे नहीं कट करना है, अगर कोई दिक्कत हो तो कैंसिल करके पीछे जाके देख लो, लेकिन अगर सब कुछ सही है और इसे सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस इंड करके आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद यह क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। और जब सबमिट हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे लिखेगा टेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, और जैसे ही टेस्ट सक्सेस मतलब सक्सेसफुली लिखेगा तुरंत एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए धन्यवाद कहा गया, और जो कि सचिव है सुनील कुमार सोचकर BTUP से, इनके द्वारा यह अपडेट प्रोवाइड कराई दी कैसे मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप देना है, ठीक है। तो यह थी फाइनली अपडेट कि मोबाइल से कैसे देना, कोई गलतियां ना हो, सब कुछ बता दिया हूं। और कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM करो, और या फिर हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ भी पूछ सकते हो, रिप्लाई वगैरह सब कुछ दे दिए जाते हैं अगर टाइम प्रॉपर रहता, नहीं तो इंस्टाग्राम पे DM करना, वहाँ रिप्लाई आपको दे दिए जाएंगे। आई होप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।